नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स या इसको हम बोलते हैं अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। मेनली जो है वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम रेफ्रिजरेंट जो है वो एज ए अमोनिया को यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट यूज इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज अमोनिया, मतलब अमोनिया जो है वो हमारा एक रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। दूसरा, वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर जो है वो हम मैकेनिकल एनर्जी हम यूज़ करते थे, बट वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी की जगह हीट एनर्जी को यूज़ करेंगे। ये एनर्जी जो है हमारी रेफ्रिजरेंट की कंडीशन को चेंज करने के काम आता है। तो हमारी जो पूरी साइकिल है उस साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लिक्विड फेज में चेंज हो रहा है या वेपर में चेंज हो रहा है, लिक्विड वेपर मिक्सचर है, तो उसके चेंज करने की कंडीशन के लिए हम हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजेस हीट एनर्जी इंस्टेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। मतलब हम हीट एनर्जी को यूज़ करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की जगह। तीसरा, इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय द एब्जॉर्बर हीट पम्प जनरेटर एंड ए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर हम कंप्रेसर यूज़ करते थे, उस कंप्रेसर को रिप्लेस करके वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर हम एक एब्जॉर्बर लगाते हैं, एक पंप लगाते हैं, एक जनरेटर लगाते हैं और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल लगाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर जो हम कंप्रेसर लगाते हैं उस कंप्रेसर को हमने रिप्लेस किया है। किससे रिप्लेस किया है? एक ये हमारा एब्जॉर्बर है, एक हमारा पंप है, एक जनरेटर है और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है। तो इस पूरे कंप्रेसर, मतलब इस कंप्रेसर को जो है वो हमने फोर एलिमेंट से रिप्लेस करा है। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर हमारा ये वाला पार्ट जो है वो हमने कंप्रेसर की जगह लगाया है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा सेम रहता है। जैसे ये कंप्रेसर की जगह हो गया, उसके बाद ये कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व और इवोपरेटर। अब इसके वर्किंग को हम देखें तो वर्किंग जो है वो हमारा, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि इवोपरेटर, इवोपरेटर से ही हमारा लो प्रेशर अमोनिया वेपर, हमें पता है कि इवोपरेटर के अंदर जो भी हमारा लिक्विड होता है वो लिक्विड जो है वो हमारा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है वो हम रेफ्रिजरेंट एज ए अमोनिया ले रहे हैं, तो इवोपरेटर से जो हमारा बाहर आ रहा है वो हमारा लो प्रेशर अमोनिया वेपर है। तो लो प्रेशर अमोनिया वेपर जो है वो हमारा एब्जॉर्बर में जाता है। एब्जॉर्बर में हमारा क्या करता है कि एब्जॉर्बर के अंदर हमारा अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये जो है वो पंप की सहायता से जनरेटर में जाता है। जनरेटर जो है वो हमारा हीट जो है वो सोर्स प्रोवाइड करता है, इसमें स्टीम या हीटिंग कॉइल लगी हुई होती है। जब हमारा एब्जॉर्बर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के का मतलब जो है वो उसके अंदर अमोनिया की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। और जनरेटर के बाद जो है जो भी हमारी अमोनिया की वेपर जो है वो हमारी कंडेंसर में चली जाती है। कंडेंसर में जो है वो हमारी हाई प्रेशर अमोनिया वेपर जाएगी, लेकिन कुछ परसेंटेज के अंदर हमारी वाटर वेपर भी रह जाती है। वो वाटर वेपर जो है वो हमारी अमोनिया के साथ मिक्स होके वो हमारा वीक सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर अमोनिया कम मात्रा में हो और वाटर ज़्यादा हो, तो उसे हम प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल की सहायता से वापस एब्जॉर्बर में डाल देते हैं। एब्जॉर्बर में जो है वो कूलिंग वाटर की हेल्प से जो है वो यहाँ पे कॉइल लगी हुई होती है, जो इसके टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस करती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो अमोनिया जो है वो वाटर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर एब्जॉर्बर में कूलिंग के लिए जो है वो कूलिंग कॉइल लगी हुई होती है। उसके बाद हमारा जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर जो है वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के अंदर जो है वो हमारा कूलिंग वाटर की हेल्प से हीट जो है वो रिजेक्ट होती है। हीट रिजेक्ट होगी तो ये हमारा हाई प्रेशर अमोनिया वेपर जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स अगर हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है तो फेज जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी और
लिक्विड अमोनिया जगह रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जो है क्वांटिटी ऑफ अमोनिया को जो है वो आगे जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी जो है आगे जो है भेजता है। इसके बाद एक्सपेंशन वॉल, एक्सपेंशन वॉल के अंदर हमारा जो है वो प्रेशर रिड्यूस होता है, प्रेशर रिड्यूस होने के बाद में इवोपरेटर में जाता है। इवोपरेटर में जो है वो यहाँ पर हमारा लिक्विड अमोनिया वेपर होती है, उस लिक्विड अमोनिया वेपर को वेपर के अंदर क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट के कारण जो है वो लिक्विड जो हमारी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एब्जॉर्बर में जो है वो हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, जनरेटर के अंदर जो है वो हमारी हीट सप्लाई हो रही है और कंडेंसर के अंदर हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है वो पूरा चलता रहता है। नेक्स्ट जो है अभी हमने पढ़ा वो हमारा जो है वो थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था, लेकिन एक्चुअल में जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करने के लिए हम कुछ और एसेसरीज लगाते हैं, तो इसे हम प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं। तो इसकी एसेसरीज जो है वो परफॉर्मेंस इन वर्किंग ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाते हैं हम। फर्स्ट जो है वो हमारा एनालाइजर, सेकेंड जो है वो रेक्टिफायर, थर्ड जो है वो हीट एक्सचेंजर। एनालाइजर क्या करता है, अब इस डायग्राम से हम देखें, ये हमारा है प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अगर हम प्रीवियस वाले जो है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने एक एनालाइजर एक्स्ट्रा लगाया है, एक हमने रेक्टिफायर एक्स्ट्रा लगाया है और दो हीट एक्सचेंजर एक्स्ट्रा लगाए हैं। अब एनालाइजर क्या करता है, जो भी हमारा वेपर जो है वो हमारी कंडेंसर में जानी चाहिए, क्योंकि अगर अमोनिया वेपर जो है वो कंडेंसर में नहीं जाएगी, उसके साथ साथ अगर वाटर वेपर भी जा रही है तो वो वाटर जो है वो आगे यहाँ पर कंडेंस होने के बाद जो सिस्टम जो है सिस्टम की पाइपलाइन को चॉक कर देगा। तो एनालाइजर जो है वो हमारा यहाँ पर जनरेटर के साथ या तो इंट्रीगल पार्ट या सेपरेट पार्ट भी हो सकता है। इंट्रीगल पार्ट का मतलब इसके साथ अटैच्ड या एक सेपरेट अरेंजमेंट भी हो सकता है। ये अरेंजमेंट हमारा इस अरेंजमेंट के अंदर हमारी यहाँ पर ये ट्रे लगी हुई होती है। ये ट्रे क्या करती है कि कूलिंग सरफेस को इंक्रीज कर देती है। तो जो भी वेपर है वो हमारा ऊपर जो इस वाले पार्ट में है ऊपर चला जाएगा और वेपर जो है वो लाइट होता है ऊपर चला जाएगा, तो आगे जो है वो हमारी वेपर पास होगी और लिक्विड जो है ये वाटर जो वेपर जो है वो हमारी नीचे बैठ जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो रेक्टिफायर और डिहाइड्रेटर, ये हमारा एक कूलिंग कॉयल होता है। कूलिंग कॉयल जो है वो क्या करेगा कि जो भी हमारा अगर फर्दर इसके अंदर जो है वो हमारी वाटर वेपर रह जाती है तो इस वाटर वेपर को जो है वो यहाँ पे कूल करके वापस जो है वो एनालाइजर के अंदर सेंड कर देती है। ये हमारा कूलिंग कॉयल होता है। कूलिंग जो है वो हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप हो सकता है या शेल एंड कॉयल टाइप का भी हो सकता है। इसे जो है वो डिहाइड्रेटर बोलते हैं क्योंकि आगे केवल जो है वो हमारा अमोनिया वेपर ही जाएगा और वाटर जो है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तीसरा जो है अरेंजमेंट है हमारा हीट एक्सचेंजर होता है। दो हीट एक्सचेंजर हम लगाते हैं। फर्स्ट जो है वो हीट एक्सचेंजर हम इस जगह लगाते हैं। ये हीट एक्सचेंजर हमारा क्या करेगा कि ऑब्जर्व सेम जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है और जो जनरेटर से जो है हमारा वीक सॉल्यूशन है, तो इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। हमें पता है कि जो वीक सॉल्यूशन हमारा जा रहा है वापस एब्जॉर्ब में, उसकी जो है वो हीट जो है वो कोई काम की नहीं होती है, मतलब हाई अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पर एब्जॉर्ब में आने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वीक सॉल्यूशन अपनी हीट जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को दे देगा, जिससे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जनरेटर जो है वहाँ पर भी हमारा कम काम करना पड़ेगा, और वीक सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा तो ये हमारा एब्जॉर्ब के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो है वो हीट एक्सचेंजर हम लगाते हैं कंडेंसर के बाद और इवोपरेटर के बाद में। तो कंडेंसर का से जो भी हमारा अमोनिया फ्लो हो रहा है, अमोनिया लिक्विड अमोनिया फ्लो हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और एज कम्पेयर टू द इवोपरेटर से जो हमारा वेपर अमोनिया पास हो रहा है। तो कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है वो जो है वो अपनी हीट जो है वो इसको दे देगा,
तो इससे टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब हम एक बार पूरी साइकिल जो है वो अगर हम देखें, ये तो हमारी तीन एसेसरीज हो गई जो प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एब्जॉर्बर क्या करता है, जो इवोपरेटर है, इवोपरेटर से हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उस वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो एब्जॉर्बर में जाता है। एब्जॉर्बर जो क्या करता है, एक ही हमारा एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है। अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब अमोनिया की परसेंटेज ज़्यादा है और ये पंप के थ्रू जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर से जनरेटर में जाता है। तो हीट एक्सचेंजर इसलिए लगाया है ताकि यहाँ का जो है वो टेम्परेचर हम वीक अमोनिया के टेम्परेचर से इंक्रीज कर सकें। यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के बाद यहाँ पर एनालाइज़र, एनालाइज़र जो है वो केवल अमोनिया वेपर को ही आगे भेजता है। अगर उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वेपर रह जाती है तो हम यहाँ पर रेक्टिफायर ड्रायर लगाते हैं, डिहाइड्रेट लगाते हैं, उससे जो भी हमारा वाटर जो है वो वेपर है वो नीचे आ जाती है एनालाइजर में और केवल अमोनिया वेपर जो है हमारी कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर के अंदर जो है वो जो वेपर अमोनिया है उसकी फेज चेंज हो जाके लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक्सचेंजर लगा होता है। एक्सचेंजर क्या करता है, अपनी हीट जो कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट जो है वो एक्सचेंज कर लेता है और इवोपरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको हीट दे देता है और इसका टेम्परेचर जो है कूल हो जाता है। उसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से जो लिक्विड प्लस वेपर अमोनिया है वो हमारी इवोपरेटर में चली जाती है। इस तरह से जो है ये प्रोसेस पूरा होता है। सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हम देते हैं, हीट एब्जॉर्ब इन द इवोपरेटर प्लस वर्क डन बाय पंप प्लस हीट सप्लाइड इन जनरेटर। अब क्या एडवांटेज है हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम की तुलना में? फर्स्ट जो है, इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ओनली द मूविंग पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इज पंप। केवल जो है पंप जो है वो एक ऐसा मूविंग पार्ट है और पंप जो है वो स्मॉल कैपेसिटी का होता है, बहुत ही स्मॉल मोटर होती है। तो जो भी हमारे ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जो है वो हमारा साइलेंट होता है, क्वाइट होता है और जो है वो लेस वियर होता है, बहुत ही कम जो है उसके अंदर वियर होता है। सेकंड जो है वो हमारा द वेपर कंप्रेशन सिस्टम ऑफ द सेम कैपेसिटी हैज द मोर वियर। वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन अगर सेम कैपेसिटी का है तो वेपर कंप्रेशन के अंदर जो है वो ज़्यादा वियर टीयर और नॉइज़ होती है ड्यू टू द मूविंग पार्ट ऑफ द कंप्रेशर। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजेस हीट एनर्जी टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। वेपर एब्जॉर्प्शन के अंदर अपन हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट की कंडीशन को चेंज करने के लिए, और वेपर कंप्रेशन के अंदर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट की कंडीशन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आर यूजुअली डिजाइन टू यूज स्टीम आइदर एट हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को जो है वो स्टीम के लिए तैयार करते हैं, स्टीम के लिए डिज़ाइन करते हैं। द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द फर्नेस एंड सोलर एनर्जी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्टीम का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, द सिस्टम कैन बी यूज वेयर द इलेक्ट्रिक पावर इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑप्टेन और इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये सिस्टम जो है वो अपन वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जो है अपने को डिफ़िकल्ट मिलती है या बहुत ही महंगी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन ऑपरेट एट रिड्यूस इवोपरेटर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो अपन बहुत कम इवोपरेटर प्रेशर और टेम्परेचर पे भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्टीम प्रेशर टू द जनरेटर विद लिटिल डिक्रीज इन कैपेसिटी। इससे इसकी कैपेसिटी के अंदर भी बहुत कम डिक्रीज होगा या बहुत कम होगी, बट द कैपेसिटी ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम ड्रॉप्स वेरी रेपिडली विद द लोअर इवोपरेटर प्रेशर। हमने पहले की स्लाइड्स में देखा था कि अगर हम इवोपरेटर प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में
तो कैपेसिटी जो है वो हमारी बहुत रिड्यूस हो जाती है, लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, द लोड वेरिएशन डू नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। बहुत ज़्यादा लोड वेरिएशन से जो है वो परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोड वेरिएशन अगर जो है वो हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर अगर लोड वेरिएट करते हैं तो COP पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिविंग द इवेपोरेटर हैज नो बैड इफेक्ट ऑन द सिस्टम एक्सेप्ट द रिड्यूसिंग द रेफ्रिजरेटर इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, उस वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर अगर हम इवोपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इवोपरेटर के अंदर से भी अगर हमारा लिक्विड के साथ वेपर के साथ साथ लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा सिवाय उसके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के। लेकिन इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर जो है वो हमारा इनिशियली जो है वो सुपर हीट वेपर जो है वो होनी चाहिए, नो लिक्विड मे बी एंटर द कंप्रेसर। मतलब जो भी इवोपरेटर से लिक्विड आ रही है वो हमारी वेपर फेज में या सुपर हीटेड फेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वेपर जो है वो कंप्रेसर में चली जाएगी तो कंप्रेसर जो है वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और उससे एफिशिएंसी जो है सीओपी जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी और वर्किंग कंप्रेसर का वर्किंग भी इफेक्ट करेगा। द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी बिल्ट इन कैपेसिटीज अबव 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन विच इज लार्ज साइज फॉर द सिंगल कंप्रेशन यूनिट। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो हमारी लार्ज कैपेसिटी जैसे 1000 टन से ज़्यादा के लिए भी काम कर सकते हैं। कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, हमने ले लिया कि QG जो है वो हमारा, अभी हमने पढ़ा था, साइकिल पढ़ी थी, उसके अंदर जो है वो हीट QG इज गिवन टू द रेफ्रिजरेंट इन द जनरेटर। QG जो है वो जनरेटर को दी जाने वाली हीट है। QC हीट इज डिस्चार्ज टू द एटमोसफियर और कूलिंग वाटर फ्रॉम द कंडेंसर और एब्जॉर्बर। द हीट QE इज ऑब्जर्व बाय द रेफ्रिजरेंट इन द इवोपरेटर और हीट QP इज एडेड टू द रेफ्रिजरेंट ड्यू टू द पंप वर्क। पंप वर्क जो है वो हमारा बहुत ही कम वर्क करता है, इसलिए इसके वर्क जो है वो इसकी हीट को जो है अपन रिड्यूस कर सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग QC इक्वल टू QG प्लस QE, क्योंकि QC जो है वो हमारा हीट रिजेक्ट हो रहा है, QG के अंदर जनरेटर के अंदर भी हीट जो है वो ऐड कर रहे हैं, इवोपरेटर के अंदर भी हीट ऐड कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से QC इक्वल टू QG प्लस QE हो गया। अगर हम मान लें कि TG जो है वो टेम्परेचर ऑफ विच हीट QG इज गिवन टू द जनरेटर, TC जो है वो टेम्परेचर एट विच QC इज डिस्चार्ज टू द एटमोसफियर और कूलिंग वाटर फ्रॉम द कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर, TE जो है वो टेम्परेचर है हमारा जिस पर जो है वो हीट QE एब्जॉर्ब हो रही है इन द इवोपरेटर। हम ये अज्यूम करते हैं कि वेपर, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन को ले रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो एक परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम है। जब भी हमारा परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम होता है तो उस कंडीशन में इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द चेंज इन द कंडीशन। मतलब इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी ये जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। जब हमारी एंट्रोपी जो है वो सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि QG अपॉन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, तो QG प्लस T प्लस QE अपॉन TE इक्वल टू QC अपॉन TC। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा था QC इक्वल टू QG प्लस QE, तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखते हैं QC की जगह QG प्लस QE अपॉन TC, इस इक्वेशन जो है वो हमारी हो गई QG प्लस TG प्लस QE अपॉन TG इक्वल टू हो गया हमारा QG प्लस QE अपॉन TC। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें जो है तो ये हमारा हो जाएगा, एक QG वाली टर्म को एक तरफ ले जाएं, QE वाली टर्म को अगर हम एक तरफ ले जाएं तो QG अपॉन TG माइनस QG अपॉन TC इक्वल हो गया हमारा QE अपॉन TC माइनस QE अपॉन TE। इसको अगर हम फर्दर जो है वो सॉल्व करें, यहाँ पर जो है वो LCM ले लें,
नीचे, तो टी सी माइनस टी जी अपॉन टी जी इंटू टी सी, और इसी तरह क्यू ई जो है वो इधर से कॉमन ले लें और एलसीएम लें, तो टी ई माइनस टी सी अपॉन टी सी इंटू टी ई, क्यू जी जो है वो हम इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्यू ई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो ये टी ई माइनस टी सी अपॉन टी सी इंटू टी ई, टी जी इंटू टी सी अपॉन टी सी माइनस टी जी। अब इसको यहाँ से ये वाली टर्म जो है वो हमारी इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं इसको, इसको हम सॉल्व कर लें, यहाँ से टी सी अपॉन टी सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो टी सी माइनस टी ई अपॉन टी ई टी जी अपॉन टी जी माइनस टी सी। तो मैक्सिमम सी ओ पी जो है वो हमारे सिस्टम की हो जाएगी, सी ओ पी हमारा हो गया कि हीट एब्जॉर्ब इन इवोपरेटर अपॉन हीट सप्लाई टू द जनरेटर, तो क्यू ई अपॉन क्यू जी। तो क्यू ई अपॉन क्यू जी, क्यू जी की वैल्यू हमारी ये वाली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को अगर हम नीचे लिखें तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स, या इसको हम बोलते हैं अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर। अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर को हम थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं, या अमोनिया हाइड्रोजन सिस्टम भी बोलते हैं, या थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं। अब थ्री फ्लूड जो है वो उसके अंदर होता है हमारा अमोनिया हाइड्रोजन एंड वाटर। अमोनिया जो है वो ऐसे हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं, अमोनिया इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अमोनिया जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी अच्छी होती है, डिज़ायरेबल। इट पजेस मोस्ट ऑफ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। इट इज़ टॉक्सिक बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द मूविंग पार्ट देयर इज अ वेरी लिटिल चांस फॉर द लीकेज। मोस्ट ऑफ द है ये करेक्ट कर लेना। इट इज़ द टॉक्सिक होता है अमोनिया, लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण बहुत कम चांसेस होता है लीकेज होने का। तो लीकेज होने का चांसेस जो है वो बहुत कम होता है, इस कारण ये मैं करेक्ट कर देती हूँ, मोस्ट ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टी। हाँ, इट इज़ अ टॉक्सिक बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मूविंग पार्ट देर इज अ वेरी लिटिल चांस फॉर द लीकेज एंड द टोटल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक लाइटेस्ट गैस होती है, मतलब इसका वेट जो है वो कम होता है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। इवोपरेशन के रेट को जो है वो बढ़ा देती है इवोपरेटर के अंदर, इसलिए हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हमारा नॉन कोरोसिव होता है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर घुलता नहीं है और नॉन कोरोसिव होता है, और दिस इज़ यूज इन द लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। हाइड्रोजन को हम लो प्रेशर साइड के अंदर यूज़ करते हैं। तीसरा जो है वो फ्लूड है हमारा, लेते हैं हम वाटर। वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू ऑब्जर्व अमोनिया रेडिली, क्योंकि ये अमोनिया को जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटर को एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स या अमोनिया हाइड्रोजन का डायग्राम है। इसके अंदर अगर हम यहाँ से देखें तो जो इवोपरेटर है, इवोपरेटर के बाद में एब्जॉर्बर लगाया हुआ होता है। एब्जॉर्बर जो है वो एब्जॉर्बर में हमारा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से पास होता है। हाइड्रोजन जो है वो हमारी लाइटेस्ट गैस है, तो लाइटेस्ट गैस होने के कारण जो भी हमारा इवोपरेटर से अमोनिया, जो इवोपरेटर जो है यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो है वो हमारा लाइटेस्ट गैस होता है तो ऊपर की तरफ होता है, और वाटर जो है, वाटर क्या करता है अमोनिया के अंदर जो भी हमारा वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद केवल जो है वो हाइड्रोजन आगे पास होगा। हाइड्रोजन क्या करता है कि इवोपरेटर में इवोपरेटिव
कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। डेट मीन्स जो लिक्विड अमोनिया आता है उस लिक्विड अमोनिया को वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो वाटर होता है वो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। उसके बाद एब्जॉर्बर से जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो हमारा जनरेटर के अंदर हम हीट जो देते हैं हम गैस बर्नर से देते हैं। गैस बर्नर से जो भी हमारा अमोनिया वेपर है वो हमारा रेक्टिफायर क्या करता है कि केवल अमोनिया वेपर को आगे पास होने देता है और जो वाटर वेपर है उसको यहीं पे रेक्टिफाई कर देता है। और जो जनरेटर है उससे वीक सॉल्यूशन जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो दोबारा एब्जॉर्ब में चला जाता है। वीक सॉल्यूशन के पास में यहाँ पर हमारा हीट एक्सचेंजर होता है। जो वीक सॉल्यूशन है वो हीट अपनी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को दे देता है, जिसके कारण जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वीक सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है हमारा कम हो जाता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब में जाएगा तो अमोनिया जो है वो कम एब्जॉर्ब हो पाएगा उसकी कैपेसिटी। जैसे ही हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर होगा तो जनरेटर को कम काम करना पड़ेगा। उसके बाद रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर जो है वो हमारा अमोनिया वेपर को आगे पास करेगा, वाटर वेपर जो है उसको यहीं पर रोक लेगा और कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर जो है वो हमारा अमोनिया वेपर को जो है वो लिक्विड अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी हीट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी और लिक्विड अमोनिया के अंदर चेंज हो जाएगा। लिक्विड अमोनिया फिर से जो है वो हमारा एवोपरेटर में जाएगा। तो इस तरह से जो है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइट्स की वर्किंग होती है। थैंक यू।